नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एस पी एन न्यूज़ एस पी न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे वरुण गांधी का वरुण गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया वरुण गांधी पे जो तमाम सवाल उठ रहे थे वो तमाम सवालें दूर हो गए वरुण गांधी पे जो तमाम सवालें हमारा आपको बेचैन कर रही थी वो भी दूर हो गए जरा सुन लीजिए कि वरुण गांधी दरअसल कह क्या, क्या रहे हैं जरा वो समझ क्या रहे हैं वरुण गांधी का इरादा क्या है वरुण गांधी के मन में क्या है ये दरअसल हम आपको बताना चाह रहे हैं वरुण गांधी का सबसे बड़ा प्लान का खुलासा हो गया है और इस बात को लेकर हो रहा था कि क्या वो बीजेपी में रहकर चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस में वापसी होकर चुनाव लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी की तरफ जाकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन वो तमाम तस्वीर तमाम उलझनों के बीच में अब ये फैसला हो गया है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे ही और कहाँ से लड़ेंगे वो सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना पत्ता साफ कर दिया है खोल दिया है। और संकेत भी देते हुए बताया कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने कहा कि हमें पीलीभीत से हालांकि वो सांसद उन्होंने कहा कि हमें वहाँ से मोहब्बत हुई है वहाँ से हम बाखूबी तरीके से जानते हैं वो मेरा जो है चीना पहचाना जगह है हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम उसको हटा नहीं सकते इसलिए हम उसको भूल भी नहीं सकते और यही वजह है उन्होंने साफ शब्दों में कहा हम वहीं से चुनाव लड़ेंगे अब यह स्पष्ट हो गया बहरहाल बीजेपी ने कोई फैसला नहीं किया बीजेपी क्या करेगी क्या उनको हटा देगी क्या उनके ही चेहरे पर रहेगी ये तमाम अहम सवाल है जो हम सबको बेचैन करता रहेगा हम सबको बता लहराता रहेगा तो देखना पड़ेगा कि आखिर वरुण गांधी ने अपनी तरफ से संकेत तो दे दिए अपनी तरफ से इशारा तो कर दिया क्योंकि मेनका गांधी जब से सीएम योगी से मिली थी तो उसके बाद वो चुप हो गए थे लेकिन इसके बाद फिर से वो मोदी सरकार पर हमला बर हुए तो बीजेपी का रुख क्या रहेगा ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी के मन में क्या है और बीजेपी उनको लेकर दो में क्या कुछ करेगी ये बड़ा सवाल है अडानी का मामला आया उस पर भी उन्होंने बयान रखा बेरोजगारी महंगाई तमाम चीज़ों पर सवाल मोदी सरकार से पूछते रहे हैं यानी कि जो मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बनी हुई है उससे वो पीछा नहीं छोड़ छोड़ा पा रहा है वरुण गांधी खोलकर सवाल पूछ ही रहे आजकल इतना ही मुझे दीजिए जायजा व्यक्त रहे स्पेन आई न्यूज नमस्कार